कुछ भी नहीं रहता दुनिया में लोगों, रह जाती है दोस्ती। 1980 में पढ़ाई पूरी करने के बाद हम सारे दोस्त एक दूसरे से बिछड़ने वाले थे। आइए मैं उनसे मिलवाता हूँ। अरे सुनो यार, इस ऑटोग्राफ बुक में जरा अपना अंगूठा तो लगा दो। किस लिए? पता नहीं लाइफ में फिर मुलाकात हो ना हो। अरे यार, हमारी दोस्ती सिर्फ ऑटोग्राफ बुक तक नहीं है। दोस्ती का मतलब सिर्फ मस्ती मजाक नहीं होता, बल्कि बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ देना भी होता है। अरे कॉलेज के बाद भी हम सब मिलते रहेंगे। मुंह से सब बोलते हैं, लेकिन करके कोई नहीं दिखाता। अरे मुंह से नहीं, दिल से बोल रहा हूँ। हमें मिलने से कौन रोक सकता है? महंगाई चाहे जितनी भी बढ़ जाए, हम एक दूसरे से मिलते रहेंगे। अरे भैया, वहाँ कैंटीन में खाना खत्म हो जाएगा तो हमें केला पाव खाना पड़ेगा। डियर फ्रेंड्स, अरे यार तुम सबके सब बाप बन गए हो, पर फिर भी सुधरे नहीं। सुधर गए हैं तभी तो बाप बने हैं, सब कुछ छोड़कर यकीन नहीं होता तो पूछ ले। चल नीचे आ। अरे अगर तू कुछ देर और वहाँ खड़ा रहा तो फिर वकालत शुरू कर देगा। ओके, तो पेश है जूनियर प्रभु देवा। मेरी बेटी भी कुछ कम नहीं है। अरे चल के खाना खा लो ना, वरना केले के चिप्स खाने पड़ेंगे। हाँ मेरे बाप, ये भुक्कड़ कभी नहीं सुधरेगा। दोस्तों मेरी बिजनेस डील पक्की हो गई है, अब मैं स्विट्जरलैंड में रहूंगा। और हाँ दोस्तों, मैंने भी अपना पूरा कारोबार दिल्ली शिफ्ट कर लिया है, मैं भी वहीं पे रहूंगा। देखो, पास पास रहने की वजह से हम लोगों में दोस्ताना है, लेकिन दूरियां बढ़ जाने के बाद दोस्ताना रहेगा। जैसे आज मिले हैं, आगे भी मिलते रहेंगे। अरे भाई, जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है, महंगाई भी हमें नहीं रोक सकती। अरे प्रभास, यहाँ क्या हुआ अंकल? डांस तो तुम अच्छा कर लेते हो, कौन सी क्लास में हो? सेवेंथ में अंकल। अच्छा, कितनी बार फेल हुए? अंकल ने मेरे इज्जत की वाट लगा दी। सेवेंथ क्लास में सेकंड ईयर है। बेटा, ये डांस वन से कुछ नहीं होगा, अपना दिमाग पढ़ाई में लगाओ। कल सुबह 9 बजे तुम्हें लेने आऊंगा, ओके? क्या हुआ? आई लव यू। जोक था। सॉरी, मैं तुम्हें ठेस नहीं पहुंचाना चाहता।
तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं लगता। क्या बात है बेटा? मुझे तुमसे यही प्रॉब्लम है, तुम कभी भी मुझे कुछ नहीं बताती। भाई, पता चला बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट राव की कंपनी को दे दिया गया है, अब हमें भीख मांगना पड़ेगा। अम्मा, पता है मैं किससे बात कर रहा था? अपने जिगर के टुकड़े से बात कर रहा था। बेटा, अगर मैं घर थोड़ा लेट आऊं तो बुरा मत मानना, रोना मत, बाय। मेरे रहते नो टेंशन, बेफिक्र रहिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आई एम श्योर, यस सर, आई थिंक थोड़ी गड़बड़ हुई है पर इतना कुछ नहीं हुआ है। थोड़ा हंगामा होगा लेकिन हम सब संभाल लेंगे। और ये तो अरे हो वकील की औलाद, ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़, मुझे हिंदी भी आती है। मैं समझ सकता हूँ तेरी हालत बहुत टाइट है और तू नहीं चाहेगा कि और टाइट हो। चल अब बता, तूने अंदर किया है? नहीं सर, मैंने कुछ भी अंदर नहीं किया, यकीन कीजिए, आपकी कसम, सच कह रहा हूँ। 30 करोड़ का नुकसान मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, 3 दिन में कमा लूंगा, पर गद्दारी ऐसी चीज है जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। पता कितने पैसे लिए? ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, सच कह रहा हूँ सर, छोड़ दीजिए। दोबारा तो तब होगा जब तू बचेगा। ये जो स्क्रीन पर दिख रही है, ये मेरे इकलौते बेटे की इकलौती माँ है। जैसे कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती, वैसे इनकी इंग्लिश नहीं सुधर सकती। अब जो न्यूज़ देने जा रहा हूँ उसको सुनकर डरना मत। आजकल के माता पिता अपने बच्चों पर काबू नहीं रख पाते। देखिए, आपका बच्चे ने अपनी फेयरवेल पार्टी रास्ते पर मनाई और पूरा ट्रैफिक जाम हो गया, और हम भी उसी ट्रैफिक में फंसा था, इसके लिए न्यूज़ 2 घंटा लेट हो गया। ये क्या प्रभास, ये हमारा नाम मिट्टी में मिलाएं, कॉलेज में गोइंग, ये सब सिंग डांस करके मस्ती उड़ाएं, आने दे पापा को। अयो, अभी के लिए इतना ही, याद रखिए खबर वही जो सच दिखाए, सच वही जो आप जानना चाहते हैं। इंडिया न्यूज। हेलो, कहाँ हो आज? टीवी देखा? हाँ, घर आके और देखूंगा। जो सन सड़क पर सिंग डांस करेंगे, फैमिली की इज्जत हवा में उड़ाएंगे। शट अप, मैं पहले से ही टेंशन में हूँ, फोन रखो। ए, रुको रुको रुको, निकल बाहर, निकल बोला ना, अभी निकल। ए, मैं अकेला नहीं बैठा हूँ गाड़ी में, पीछे सांप बैठे हैं। सांप पिच्छू, मुझे कुछ नहीं पता। अबे सांप, भैंस की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? ये मनहूस उल्लू का पट्टा फिर यहाँ आ गया। इतनी बार अगर किसी कुत्ते को भी मना करता तो वो दोबारा यहाँ नहीं आता। जरा भी शर्म बाकी है तो अब दोबारा यहाँ तुम हिलाने मत आना। कौन है बैठ? मेरे सगे पापा। क्या बात है पापा, आज मर्सिडीज में किसकी है? वो बंद, ये क्लाइंट की है। ओह, क्लाइंट की है, तुम जाओ सर से कहना बात कर लो। ठीक है सर। ये भी आएंगे? चलो। अंकल, हम बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, आप आएंगे तो खाना कम पड़ेगा। वो बंद कर, हम लोग सीधा अड्डे पर मिलते हैं। अंकल को जंगल में छोड़ के वो तो मुझ पर चलना है। तू निकल। मम्मी, हीरो के डैडी, व्हाट दिस? योर सन पब्लिक में डांसिंग, टीवी में कमिंग, एवरीबॉडी कॉलिंग एंड लुकिंग, पुलिस चेसिंग। मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मम्मी प्लीज, इंग्लिश में मत डराओ। यू शट अप। ये तरीका है अपनी मम्मी से बात करने का? ब्लडी फूल। इंटर पास किया तो घर में जश्न मनाया, कॉलेज में गए तो डिस्ट्रिक्ट में हल्ला मचाया। अरे, पार्ट ग्रेजुएशन पास किया तो क्या पूरे स्टेट में हल्ला मचाओगे? पता पर नहीं। चुप रहो तुम। कौन से चैनल में आया? जी जी जी, जेमिनी टीवी। शर्म नहीं आती? जेमिनी टीवी में आया। एनडीटीवी में आना है? डडिंग। बीबीसी में? डडिंग। यसीएन? डडिंग। हे गॉड, ये फादर सन तो मेरी नाक कटा कर रही। hey, कैसी लगी परफॉर्मेंस? एकदम झगास। मुझे तो लगा बेल्ट निकाल के मारेंगे। वो भी करता, लेकिन अगर वो निकालता तो पैंट उतर जाती ना।
I love you, Dad. NDTV पर आओ, BBC पर आओ, परिवार की इज्जत का तो भाजी पाला कर दिया है बोथ ने। हे राजेश्वरी, आज उसके कॉलेज का आखिरी दिन था। बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, ये तो हर साल आते हैं, लेकिन फेयरवेल डे ये एक ही बार आता है। अरे बच्चा है, एंजॉय करने दो, समझा करो टमेटो। अब तो मैं गोभी हो गई हूँ। गोभी नहीं तो किस... चुप करें। हाँ आ रहा हूँ। कौन? हेलो, कैसे हो मेरे दोस्त? अरे यार कैसे हो दोस्त, अचानक कैसे आना हुआ? बेटी का MBA सर्टिफिकेट लेने जा रहा था, रास्ते में तेरा घर पड़ गया तो मैंने सोचा फ्री में चाय नाश्ता कर लेते हैं। अच्छा अंकल, भाई कहाँ है, दिखाई क्यों नहीं दे रहे? अरे प्रभास, बाथरूम में हूँ। बाथरूम में? लगता है उन्हें मेरी कॉलेज की लड़कियाँ पसंद नहीं है, इसीलिए आजकल वो मुझसे मिलने भी नहीं आते हैं, है ना? बाप पे गए हैं। हेलो, अरे सुनिंग, स्विट्जरलैंड से विश्वनाथ का फोन आएंग। हे यू विश्वनाथ, क्या कहा? दो दिन बाद तुम सब लोग इंडिया आने वाले हो? हाँ हाँ ठीक है, कुछ काम है तो बताना। हे हेलो, तुझे पता था ना? हाँ, हम सारे दोस्त मेरे घर पे एक गेट टुगेदर के लिए मिल रहे हैं। लेकिन यार गेट टुगेदर तो मैं रखता हूँ। इस बार हम तुझे सरप्राइज देना चाहते थे। लास्ट टाइम हम लोग सब कहाँ आ पाए थे, पर ये मौका स्पेशल है। हम सब दोस्त 10 साल के बाद मिल रहे हैं, हम ही नहीं हमारी फैमिलीज भी। हम सब दोस्त कॉलेज के पुराने दिनों को याद करके मस्ती और धमाल करेंगे। क्यों? तेरे गंगा जमुना क्यों बहे? खुशी से बह रही है। किस बात की खुशी? क्या आपके दोस्त मेरे दोस्त नहीं है? राजेश, गीता, सीता, पंडू, नंदनी, रघु, सिनु, गुजु, हम भी तो 10 साल बाद मिलने वाले हैं। हम धूम मचाने वाले हैं। मत देखो। क्यों? क्योंकि हमें काफी चीजों का इंतजाम करना है, इसलिए बाकी सारा काम तुम्हें अकेले संभालना होगा, इसलिए तुम यहाँ से जल्दी जाओ। अंकल, ये क्या कर रहा है? अंकल जैसा कहते करो। क्या समझाऊं? मना मत करना, मेरी शॉपिंग तो आप ही को करानी होगी। हमेशा काम बताती रहती। क्या बजा रहा है यार? गिटार। और क्या? ए फुंत्रू, गिटार ऊपर है नीचे नहीं? अरे 10 साल के बाद अपना दोस्त आ रहा है, दोस्त से मिलेंगे, मजा नहीं लाएंगे। दारू बटेगा, मुर्गा कटेगा, ढिंका चिंका। तुम्हें इनवाइट करो, शॉर्ट लोगों की वहाँ एंट्री बंद है। हमें इनविटेशन की जरूरत नहीं, हम दुनिया में भी बिना बुलाए आए थे तो तेरी पिकनिक में भी आएंगे। और हाइट की बात मत कर, तू खंबा है तो क्या, हम क्वार्टर क्वार्टर। अरे ज्यादा भाव मत खा, नंदिनी की कसम है तुझे। हाँ ठीक है, कपड़े ढंग करना। ए प्रभा, कल निशा ने तुझे प्रपोज किया था क्या? किया था तो? स्टोरी क्या है? तू क्या फिल्म बना रहा है? जो मैं तुझे स्टोरी बताऊं? देख, मैं नंदिनी को चाहता हूँ तो निशा को कैसे हाँ बोल सकता हूँ? हमारा पैंट बच गया, उसने सुसाइड करने की कोशिश की। क्या कहा? सुसाइड? हाँ यार, वो अभी हॉस्पिटल में है, लगता है निकल लेगी। बाप रे, ये लड़की तो निशा। अबे तू कहाँ जा रहा है? हॉस्पिटल। तू वहाँ गया तो बात बिगड़ जाएगी, उसका बाप फिल्म का विलन है। ए, तेरी भलाई इसी में है कि तू कहीं खोपचे में चले जा। अरे मैं क्यों चला जाऊं? उसकी बेटी ने सुसाइड करने की कोशिश की है, तू सामने जाएगा तो तेरी घंटी बजा देगा। हेलो प्रभास, मैं जरा रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ, तुम्हारी मम्मी और प्रसन्ना मार्केट गई है, उनकी शॉपिंग हो जाने के बाद उन्हें स्टेशन ले आना। ठीक है। ए सुन, कल वैसे भी हम वाइजाग जाने वाले थे ना, तो आज ही निकल जाते ना। हाँ बोल। ए, उस विलन ने तुझे मारने के लिए गुंडे भेजे हैं, सबकी जमकर धुलाई हो रही है, मैं किसी तरह से बच गया। मैंने भी उनकी फिल्म बनाई है, मैं तुझे MMS करता हूँ, अपनी जान प्यारी है तो फिल्म जरूर देख लेना। अब रखता हूँ।
बेटा थोड़ा फास्ट चले। ठीक है, बोलो स्टेशन पर वेटिंग। ओके। भैया कहाँ है? ये कैसा है? चीची बकवास। नहीं ले लूँ माँ। छोड़ो ना। ओके। हमें फॉलो करेंगे। मेरा पर्स फट गया है, जाकर नया ले ले। नहीं, स्टेशन रीचिंग देर होएगी। हाँ ठीक है, ओके। माय स्वीट सन, उस दुकान में कमिंग। हाँ। भाई भाई चाहिए क्या? सॉरी बॉस। ये दुकान वाले भी ना कुछ ज्यादा ही भाव खाए। इसका प्राइस क्या होएगा? क्या हुआ? मेरा बेटा। Me too. उन लोगों को देखो कैसे सड़क पर झगड़ा करेंगे। वही ना। अपने फादर मदर की इज्जत मिट्टी में मिलाए। देखो तो। इनको तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करें। मेरा बेटा हट के होएंगे, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे। Come on, इस साइड। क्या चाहिए? अब प्यारी मम्मी से मुझे किस चाहिए? कम सिट। ये सांडी छोड़ दो ने। ठीक है सर। हेलो, मैं निशा का बाप बोल रहा हूँ। 10 मिनट के अंदर मेरे पास आ जा। अगर ना आऊँ तो? तूने मेरे आदमियों को मारकर जिंदा छोड़ दिया। मैं ऐसी गलती नहीं करता। तेरे दोस्त अब मेरे कब्जे में हैं। मैंने सुना है तुझे अपने दोस्तों से बहुत प्यार है। अगर प्यार है तो आ जा। क्या भाई, खाली हुल मत दो, ठोक दो इनको। तेरा नाम क्या है? प्रभा। प्रभास्कर। देख प्रभा, मेरी बेटी पागल है। वो हर चीज अपने दिल में दबा के रखती है, इसलिए उसने सुसाइड करने की कोशिश की। अगर उसने मुझे कहा होता कि वो तुमसे प्यार करती है तो मैं उसकी शादी तुमसे करवा देता, लेकिन तुम बहुत किस्मत वाले हो। अगर उसे कुछ हो जाता तो तू जिंदा नहीं बचता। परसों तू मेरी बेटी से शादी करेगा, तैयार रहना। सर, सर, मेरे होने वाले समधी को बता सर, देना। मुझे शादी मंजूर नहीं। पर एक बार मेरी बात सुनिए सर। निशा बहुत लगी है कि उसको आप जैसा प्यार करने वाला पिता मिला है। वो खुश तभी रह पाएगी जब उसका होने वाला पति भी उससे उतना ही प्यार करेगा। प्यार और शादी हमेशा दो तरफा होते हैं सर। तेरा मतलब क्या है? मेरी बेटी तुझे पसंद क्यों नहीं? बोल, कमी क्या है उसमें? क्योंकि मेरा दिल अब मेरे पास नहीं है सर। पिछले साल मैं एक म्यूजिक प्रोग्राम के लिए स्विट्जरलैंड गया था।
स्विस इंडिया एसोसिएशन के ऑर्गेनाइजर्स को मैंने बताया कि तू एआर रहमान का राइट और मनीष शर्मा का लेफ्ट हैंड है। 20 दिन में 20 लाख रुपए अंदर हो जाएंगे और साथ में स्विट्जरलैंड में ढिंग करेंगे। हमें 2 दिन में निकलना होगा। ये देख, मैं तुम लोग को ये फोटो उन लोग को मेल कर चुका हूँ। देख तू किधर खड़ा है, रहमान, मनीष शर्मा और देवी सिरी। सुन बे, कोई लफड़ा नहीं होगा ना? शट अप, तेरी आवाज अच्छी है, हमारी आवाज फटे बांस की तरह है। बस मेरा स्टाइल पकड़ लो, सब ठीक हो जाएगा। ओके। क्या आप मिस्टर प्रभास हैं? या या। ओह वेलकम वेलकम, मैं हूँ थॉमस, स्विस इंडिया एसोसिएशन का ऑर्गेनाइजर। हेलो सर। अच्छा हुआ आप सब आ गए, बाकी के सिंगर्स कहाँ हैं? तेरी, हम लोग सिंगर नहीं तो क्या रिंगर हैं? ये बीच में अपनी टांग क्यों डाल रहा है? सर, इसकी बचपन से ही ऐसी आदत है। ऐसा क्या, इसकी भी यही आदत है? तुमने मुझे पहले नहीं बताया। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? ये सब इन्फॉर्मेशन पहले दे दिया करो। बाय द वे, ये रेडी नहीं रहते पर इनका नाम है मिस्टर रेड्डी। आपने वो खाया खाना? अरे भुक्कड़, ये फ्लाइट से खा पी कर आए होंगे, इन्हें फ्रेश होने दो। आप लोगों में से एआर रहमान का लेफ्टिनेंट कौन है? मैं हूं सर, मैं। रहमान अपना लंगोटिया है। सर, ये बात आपको पहले बतानी चाहिए थी। सही कहा था, खड़ा हो गया ना। रहमान ने बताया था कि बात बात में तू खड़ा हो जाता है। ऑस्कर वाला गाना। मैं तो कुछ और ही समझा। अंकल मुंह में लोगे? अबे फिर खाने की बात कर रहा था। बॉयज, प्रोग्राम शुरू होने में अभी 4 दिन बाकी है, तब तक तुम ऐश कर लेते हैं ना सर। प्रैक्टिस करो। बहुत पैसे उधार लिए इस शो के लिए, अगर जरा सा भी इधर उधर हुआ। आप हमें जानते नहीं सर। मैं सब जानता हूँ, तुम्हारी एज में माइकल जैक्सन ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी थी और आपकी उम्र में हिटलर ने सुसाइड कर लिया। पर ये आपसे नहीं होगा। बॉयज अंदर चलो। देर मत करो। ये तो इंडिया जैसा है यार। इंडिया? ये तो उससे भी बकवास है यार। अरे सुनो, जरा तेज चलाओ। अरे क्या कर रहे हो, थोड़ा धीरे चलाना। अरे वो निकल गई, निकल गई। लेफ्ट ले, लेफ्ट ले, लेफ्ट ले। मैं राइट जाना है सर। अब चलना। अंडरवेयर के बिना बाहर निकल सकते हो पर पासपोर्ट के बिना टॉयलेट भी मत जाना, क्योंकि पुलिस ने अगर एक बार पकड़ लिया तो घुसेड़ देगा जेल में सड़ने के लिए। बाप रे बाप, मेरे पास तो पासपोर्ट नहीं है। स्टॉप मैन। अरे प्रभास, एक गई दूसरी आएगी। अबे चल लेफ्ट ले रहे। हमें राइट लेना है सर। चल तेरी भैंस की। Has already concentrated you in baptism and now he enriches and strengthens you by a special sacrament so that you may help you.
house of the church, I ask you to state your intentions. Sebastian and Mary, okay, fine. Have you come here freely and without reservation to give yourselves to each other in marriage? Will you love and honor each other? Please, Father, please, no. Please, Father, please. For the rest of your life. Oh, God. Will you accept children lovingly from God and bring them up according to the law of Christ and the church? No. के बाद लेट कभी नहीं अंगार पे बैठ के बोलोगी तब भी यकीन नहीं होगा। माफी मांगती हूँ फादर। झुकोगी तब भी नहीं करूंगा। जोसेफ। यस फादर। इसे एक फूटी कौड़ी मत देना। कोरस गाने के लिए कभी मत बुलाना। ओके फादर। फादर। प्लीज फादर ऐसा मत मूवमेंट करो। प्लीज फादर 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 मैं आपकी बेटी जैसी हूँ आप मेरे पिता जैसे हैं। माफी मांगी ना आपसे अब क्या करूँ। मैंने तुमसे कहा ना कि झुक के मांगोगी तब भी माफ नहीं करूंगा। प्लीज फादर एक चांस और दीजिए। अच्छा फादर हम लोग टॉस कर लेते हैं। प्लीज फादर मेरी बात तो सुनिए। पैर पड़ती हूँ। पैर को हाथ मत लगाओ गंदे हो जाएंगे। फादर अपने खुद के फादर और चर्च के फादर से कुछ नहीं छिपाना चाहिए इसलिए मैं आपसे कन्फेस करती हूँ। इतनी जल्दी? कल पार्टी में दोस्तों ने कहा शराब पीने के बाद ईश्वर से मुलाकात होती है। ऐसा मौका थोड़ी ना कोई छोड़ता है इसलिए मैंने भी थोड़ी चख ली। तुमने शराब पी तो ईश्वर से मुलाकात हुई? किस्मत कहाँ जो ईश्वर से मिल पाती। फिर क्या हुआ? मेरे साथ धोखा हुआ फादर। कैसा धोखा? उन्होंने कहा एक ग्लास पीने से ईश्वर नहीं दिखे। तो उसके बाद तुमने क्या किया? कोई चारा ही नहीं था इसलिए मैंने पूरा खंबा चढ़ा लिया। तब उन्होंने मुझे ईश्वर नाम के बारटेंडर से मिलाया इसीलिए चर्च में लेट आई। फादर फादर छी, तुमने मेरे और चर्च का अपमान किया। अब यहाँ मत आना वरना बाकी लड़कियाँ बेवड़ी हो जाएंगी। फादर मुंह बंद, अपने बदन से ये पवित्र कपड़ा उतारो और यहाँ से दफा हो जाओ। फादर 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 रुकिए, मैंने तो सच बता दिया। मुंह बंद। फादर कितना भाव खा रहे हैं। प्लीज फादर रुक जाइए। फादर मेरी बात सुनिए। क्या बहरी हो? कहा ना कपड़ा उतारो और चली जाओ। यार ओपनिंग कैसे करूं? क्या फिगर है यार, इंडियन हो? हाँ, सुपर, व्हाट अ फेस, ब्यूटीफुल, एकदम हटके, माइंड ब्लोइंग। मी, मैं भी अच्छा हूँ, मैं हैंडसम हूँ, क्या मैं, कैन आई सिट हियर? एक्सक्यूज मी सर। यस। इज़न्ट शी प्रिटी? यस, शी इज़ वेरी प्रिटी, शी लुक्स लाइक एन एंजल। मुझे फेस रीडिंग आती है। एक बार किसी को देख लूं तो उसकी फाइल खोल सकता हूं। भगवान ने तुम्हें ऊपर से बनाया तो परी की तरह है लेकिन अंदर से हो तुम चुड़ैल। ये जो तुम चॉकलेट खा रहे हो ये चोरी की है। और मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं होता। एक चॉकलेट बैग में है, दूसरी तुम खा चुकी हो। रुको, आओ। दिखने में तो तुम बड़ी भोली भाली हो लेकिन रात को तुमने बेवड़ा पिया था। वेट वेट वेट, एक पैक नहीं, दो पैक, तीन पैक, पूरी बोतल चढ़ाई। एक्सक्यूज मी मैडम, शी इज अल्कोहलिक, शी स्टोल चॉकलेट्स, शी इज अ थीफ। पुलिस पुलिस। ओए ए, चल निकल यहां से। एक
खजूर, तेरा बाप मजदूर, मजदूर। अबे चुप, मुंह से गा, कहीं और से नहीं। गा मुंह से रहा हूँ, आवाज कहीं और से आ रही है। ए रुक रे, अपना हीरो किधर गया? प्रैक्टिस नहीं कर रही है? वो जम के कर रहा है, मेरा मतलब वो प्रैक्टिस कर रहा है पर इंडियन लड़की के साथ। इंडियन लड़की? शायद तुम्हारा बेटा तुम्हें याद करें। हीरो एक बार फिर से सोच ले, उसे मिलने के बाद अपनी कसम बदल नहीं सकता, वरना डैडी की ऊपर की टिकट कट जाएगी। एक बार फिर सोच ले, एकलौते डैडी। बार बार एक ही बात क्यों बोल रहा है? चल दिखा कितनी सुंदर है वो, देखता हूँ मैं। चल टी-शर्ट छोड़। चल दिखा, देखता हूँ कि मेरा एक बचता है कि नहीं। चल क्या देता है? अबे चल, कहीं वो तुम्हें टोपी तो नहीं पहना गई? कहाँ है वो लड़की? तो वो लड़की देखना चाहता है ना, वो फूल उन फूलों की दुकान में है। उस दुकान में? जा, वो जिसके हाथ में फूल है देखना। हिलने लगा ना, आई लव यू बोल रहा है दिल? नहीं बोल रहा है। मैंने डैड की कसम क्यों ले ली? वैसे ये लड़की भी बहुत सुंदर है, पर मैंने कसम ली इसलिए मैं अलग नहीं बोलूंगा। अच्छा, बापू की कसम, लॉटरी लग गई। सालों ने मस्त फिटिंग की है, अगर वो बोलते तो फिर तो चलेगा ना, इससे कसम भी नहीं टूटेगी। नहीं, वो लड़की मुझे आई लव यू बोलेगी, वो लड़की मुझे। तुझे ऐसा लगता है? अरे बोल, वो लड़की तुझे आई लव यू बोलेगी? ए चुप कर, जब तुझे प्यार हो जाएगा ना तो बंद हो जाएगा। उसकी फिल्म का शूटिंग शुरू होने से पहले ही मैंने पैकअप करा दिया। एचकूज मी मैडम। सर, नीचे नहीं, ऊपर ऊपर। लगू आशीर्वाद दीजिए, तब नीचे। आप यहाँ आए, मेरे सारे फूल महकने लगे। कैसे आवाज? जब से तुम्हारी आवाज सुनी है तब से कोयल की आवाज भूल गया हूँ। यस, तुम्हें मौका दूंगा, फैंटास्टिक। मैं चाहता हूँ तुम मुझे अपने वर्ल्ड टूर में ज्वाइन करो। अब मैं तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा दूंगा, मैं तुम्हें स्टार बनाऊंगा, मैं सुपर स्टार बनाऊंगा। लेकिन दिल लेकिन मानता नहीं है। ऐसा क्यों? दरअसल बात ये है कि तुम सच सुन नहीं पाओगी। सोचिए मत, बस कह दीजिए ना सर। दरअसल हमारे ग्रुप में 6 फुट 6 पैक वाला एक स्टार सिंगर है। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है लड़की, और लड़कियां भी उसको देख के पागल हो जाती है। अगर तुम्हें चांस चाहिए तो उसके साथ डांस करना पड़ेगा। उसे मैं सुधार दूंगी। कौन है वो? है कहाँ? वो देखो, वो खड़ा है मेरा दोस्त। देखो उसका स्टाइल तो देखो, हीरो लग रहा है ना। ये तो वही फेस रीड करने वाला है। हाँ तो छैया करने को तैयार हो जाओ, मैं भी आऊंगा। मैं एक भारतीय नारी हूँ, कोई अमेरिकन या रशियन नहीं। मुझे कोई सिंगर विंगर नहीं बनना। तुमको और तुम्हारी ग्रुप को जय राम जी की। अभी तो तैयार थी, अभी तुमका क्या दोस्ती यारी में। आई लव यू टू। थैंक यू। मेंटल सॉलिड था ना, एकदम फाड़ू। अब हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, रात भर करेंगे। तो चलो। ए, चलो कपड़े इस्त्री कर, देर हो रही है। दीदी नाश्ता। ए, भूल गया ना, चल पैर छू। गॉड ब्लेस यू। जल्दी करो, तुम्हारे पास घड़ी नहीं है क्या? आ रही हूँ। कम ऑन फास्ट। चल अब तू देर मत कर। Thank you.
रेड्डी, प्रोग्राम कैंसिल हो गया, पर क्यों? आईटी मार्केट की लगने से हम दोनों की भी लग गई है। टिकट खरीदने वाले ब्याज के साथ पैसे वापस मांग रहे हैं। उन्हें चुकाने में हमारी पुरानी चट्टियां तक बिक जाएंगी। ओह माय गॉड, इन लौंडों को ठहराने का, उनको नहलाने का सारा खर्च मुझे अपनी जेब से देना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं? ये रहमान रेड्डी ने तो मेरी बैंड बजा दी। हेलो, अरे हाँ, एक बात तो भूल ही गया, आपने खाना खाया? एक कब तक उसकी दवाई की पीठ मेरा बैठ जाएगा, हौसला। अबे खुजली के मरीजों, कपड़े पहन लो। क्या राक्षस की तरह आते हो, सुंदरी को भगा देते हो। भागेगी नहीं तो क्या नाचेगी? प्रोग्राम कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया? अरे रात दिन प्रैक्टिस करके हमारी रगों में म्यूजिक दौड़ रहा है, कैंसिल कैसे हो गया? हद हो गया। इतनी प्रैक्टिस की, उसका खर्चा कौन देगा? ये अंकल देंगे, मेरे को पता है इन अंकल का बहुत बड़ा है दिल, ये हमको देंगे पैसा। मैं कुछ नहीं देने वाला, वैसे तो तुम दोगे। हम क्यों देंगे? देना पड़ेगा। तीन दिनों से बड़ी बड़ी अय्याशियां जो कर रहे हो तुम सब यहाँ पर। देखिए अंकल जी, पैसों के लिए झगड़ा करना अच्छी बात नहीं होती है। अच्छा बच्चू, जिंदगी में कभी कभी किसी का खोल कर फाड़ने से भी कुछ नहीं होता। पासपोर्ट, हम पैसों का इंतजाम कहाँ से करें? ओ, तुमने कहा था रात दिन तुमने प्रैक्टिस की है ना? तो रोड पर गाकर पैसे कमाओ। मतलब जैसा मतलब चाहो निकाल लो, पर जिस दिन तुम मुझे मेरा लौटा दोगे पैसा, आकर ले जाना अपना पासपोर्ट। ओके ओके, तब तक तुम यहाँ रह सकते हो। यहाँ मतलब यहाँ नहीं, फॉलो मी। लेकिन कहा छोटे, वो क्या बोल रहा था? फौसी की आँख। Excuse me, where is this place called Stud? Stud, there. Okay, thank you. Prabhas! ठीक है, cool, overacting मत कर। आज पता चला कि स्विट्जरलैंड में भी झोपड़ियां हैं। अगर पहले पता होता तो स्लम डॉग मिलियनेयर मुंबई में नहीं यहाँ बनाते। कोई बात नहीं, अगला पार्ट यहीं आके बनाएंगे। उसने तो हमारा स्टेटस ही बदल डाला। तू ही हमारा आखिरी सहारा है यार, कुछ कर ना। किधर है बुच थॉमस? बुच थॉमस! यस। क्या हुआ? तुमने मेरे दोस्तों को धमकी दी है? हाँ, मैंने दी है। तो क्या कर लोगे? कुछ नहीं, हम कर भी क्या सकते हैं? हमें अपने पासपोर्ट भी नहीं चाहिए, हम आपकी पाई पाई चुका देंगे। पर रहने के लिए तो कोई अच्छी जगह दे दीजिए सर, वो तो बिल्कुल झोपड़पट्टी है। अब अकल ठिकाने आई है। बहुत बड़ा पलटू है तू, गया तो था ऐसे जैसे उसकी बैंड बजा देगा। साले धोखेबाज इंसान, तुझे तो हम समझ जाते स्कॉच की बोतल पर, तू तो निकला देसी। इतना गर्म क्यों हो रहा है? प्रोग्राम कैंसिल हो गया ना, इतनी सी बात है ना। मैंने एक स्पॉन्सर का इंतजाम कर लिया है, हमारा शो होगा। सच्ची मुंची काम बन जाएगा? क्यों नहीं बनेगा, कब से कोशिश कर रहा हूँ। वो स्पॉन्सर करेगी? तू क्या बहुत बड़ी तोप है जो तुझे स्पॉन्सर करेगी? क्यों नहीं करेगी? अरे जरूर करेगी, तू ले ले मेरी कसम। मैं स्पॉन्सर के पीछे पड़ के उसे पटा लूंगा, ये होकर रहेगा। तब तक तुम थॉमस के पैसों का इंतजाम करो। मतलब हम भीख मांगे? भीख मांगने के लिए मेरी इजाजत चाहिए? आज तुमने बच्चों का दिल जीत लिया। तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि तुम मुझे अच्छे नहीं लगते, इसलिए तुम मुझे टॉर्चर करना बंद करो। ओके, आई हेट यू।
गिफ्ट चाहिए? गर्लफ्रेंड। रितु, मैं अभी वापस आती हूँ। ओके। बस ये देख कर आती हूँ, तुम लोग कहीं जाना नहीं? नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। पीटर, बॉय एंड गर्ल अलोन हियर। डोंट लेट, कम फास्ट। दीदी को इतनी देर क्यों हो गई? आ जाएंगी, वो घूमने थोड़ी काम करने के लिए गई। दीदी, दीदी, दीदी मुझे बचाओ। Leave us alone, दीदी, what do you want? छोड़ दो मुझे, please leave me। अच्छा, हमारी साइकिल को छोड़ो। ऐसा मत करो। Please, हमें छोड़ दो। तुम हमें जान दो ना। सनी? What? Hey, you! Stop there! Hey! Shit! Oh!
इन बच्चों को बचाने में मैंने अपनी जान की बाजी लगा दी क्योंकि मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। ये मेरे इकलौते कजिन्स हैं। दांत मत दिखा, कहता क्या और करता क्या है? यही अपनी दोस्ती, यही अपना प्यार, मेरे दो तेरे चार। नो, मैंने अपनी कसम बिल्कुल नहीं तोड़ी। उसकी जगह अगर कोई और लड़की भी होती तो भी मदद करता। माधुरी, इसका मतलब इंडिया हमारे मैप से निकल जाएगा। ऐसे कैसे निकलेगा? तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तुझे कल हमारे साथ चलना होगा। ओके। ये क्या है? तुम्हारे पासपोर्ट और फ्लाइट की टिकटें, फॉरन इंडिया चले जाओ। अचानक क्या हो गया सर, इतनी मेहरबानी क्यों? ज्यादा बनो मत, क्या तुम नहीं जानते क्या हुआ? मैंने पहले ही कहा था लड़की के चक्कर में मत पड़ना। तुम नंदिनी से प्यार करते हो ना? जानते हो नंदिनी कौन है? अंडरवर्ल्ड के डॉन की बेटी है और वो मेरा दोस्त है। वो उसे यहाँ मेरे भरोसे छोड़कर गया था। अगर उसे ये सब पता चला तो तुम्हारे साथ मुझे भी वो जान से मार देगा। इसलिए तुम सब जल्द से जल्द इंडिया चले जाओ। कौन प्रभास, कह दो ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। कह दो ना, कह दो ना, कह दो ना। ये क्या कह रहे सर, मैं और उस नंदिनी से प्यार करूंगा? उसकी तो एकदम सटकी हुई है सर। म्यूजिक के लिए पागल, हमारे पीछे पड़ी थी। वैसे भी हम यहाँ पैसे कमाने आए सर, प्यार प्यार के लफड़े पड़ने के लिए नहीं। आप जबरदस्ती दिमाग पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं। चुप रहो, मुझे ये बकवास नहीं सुननी। चले जाओ यहाँ से। सर, आप मेरी बात सुनिए, आप सिर्फ दो दिन दीजिए, हमें सिर्फ दो दिन। हम पैसा कमाने के बाद यहाँ से चले जाएंगे, आपके पैसे भी चुकता कर देंगे। मुझे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरी जान प्यारी है। चले जाओ यहाँ से। सर, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए सर। शट अप एंड गेट लॉस्ट। तू नंदिनी से प्यार करता है ना, तो हिटलर को झूठ क्यों बोला? अरे तुम्हारी कसम की वजह से बोलना पड़ा। सॉरी यार, हम उस हिटलर से डर गए थे। मैं नहीं डरता यार, मैं उस जोकर से डरूंगा? तुम्हारी कसम ने रोक रखा है मुझे, नहीं तो मैं उसको कब का कह चुका होता। नंदिनी भी मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं चाहता था कि वो इस बात का पहले इजहार करे। दो दिन इसीलिए मांगे थे ताकि नंदिनी मुझे आई लव यू बोल दे, उसके बाद वो हिटलर चाहे हमें इंडिया भेज दे। सॉरी यार, हमने कभी प्यार नहीं किया। तो मैं क्या करूं, इंडिया चलते हैं। वापस इंडिया, दो दिन है। टू लेट, चलो पैक अप।
प्रभास तुमसे मिलने आया है। उससे कह दो मैं घर पर नहीं हूँ। वो इंडिया वापस जा रहा है। तो मैं क्या करूँ? उससे कहो मैं यहाँ नहीं हूँ। उसने जान पर खेलकर हमारी जिंदगी बचाई और तुम ऐसा कर रही हो, ये अच्छी बात नहीं है ना? ओके। अगर वो मुझसे प्यार नहीं करता तो मैं उसे क्यों जताऊं कि मैं उससे प्यार करती हूँ? क्या बात है? क्या हुआ? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। बोलो। हे, तुमने अपना चेहरा क्यों छुपाया हुआ है? तुमने जरूर कोई गलत काम किया। हाँ हाँ किया है, तो मैं तुम्हें उसके बारे में क्यों बताऊं? तुम इंडिया जा रहे हो ना, गुड बाय, संभल के जाना। नंदनी, नंदनी, हे! दीदी ऐसे क्यों रो रही हो? ए, तुम प्रभा से प्यार करती हो ना, तो उससे कह क्यों नहीं देती? उसने कहा कि मेरी सटकी हुई है। सटकी हुई? एकदम सटकी हुई? क्या उसने तुमसे ये कहा कि वो तुमसे प्यार नहीं करता? तो जरा तुम ही सोचो, इंडिया जाने से पहले वो तुमसे क्यों मिलना चाहता है? उसे तुमसे कोई जरूरी बात करनी होगी। वो तुम्हें आई लव यू तो नहीं बोलने आया था? तुम जाके उससे बात क्यों नहीं करती? जब से उसने कहा कि मेरी सटकी हुई है, मुझे उससे बात करने का मन ही नहीं करता। तो एक काम करो, तुम उससे कुछ मत कहना। उसे फेस रीडिंग आती है ना, तो तुम्हें उसके सामने जाकर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। जाओ उसे जाकर रोक लो, क्या पता तुम्हें वो दोबारा ना मिले। जाओ। नंदनी। प्रभास। तुम कुछ कहने वाले थे ना, कह दो ना। अब वो मैं समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। फुटेज मत कहो, बोल दो। प्रभास बोलो, मैं सुन रही हूँ। मुझे बोलो ना, डरो मत। मुझे फेस रीडिंग नहीं आती। I'm really sorry, Nandini. ये गिफ्ट उस लड़की की तरफ से है जो शायद मुझसे प्यार करती है। पता नहीं वो वाकई मुझे चाहती है नहीं, और जाने बगैर मैं इसे रख नहीं सकता। तुम एक अच्छी लड़की हो, ये गिफ्ट तुम रख लो। फ्यूचर में अगर तुम्हें किसी से प्यार हो जाए तो तुम उसे दे देना। इसे रख लो नंदनी, ये मेरे किसी काम का नहीं है, शायद तुम्हारे काम आ जाए। बाय। अगर किसी और ने तुम्हें ये दिया है तो मैं इसे क्यों रखूं? भाड़ में जाओ। I love you!
तुम ठीक हो ना नंदनी, तुम ठीक हो? नंदनी, नंदनी, नंदनी! तुम रो क्यों रही हो? नंदिनी, लगता है नंदिनी कोमा में चली गई है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद से मैं अब तक उसका इंतजार कर रहा हूं। वो आएगी, नंदनी अपने प्यार से मिलने एक दिन जरूर आएगी। मैं अपनी बेटी को कैसे भी समझा लूंगा। तुम जाओ बेटा, जाओ, निकल लो। ये सच है कि तू नंदिनी को बचपन से प्यार करता है। ये सच है कि नंदिनी स्विट्जरलैंड में रहती है। और तो और ये भी सच है कि तूने नंदिनी की फोटोज इंटरनेट से डाउनलोड करके घर में रखी है। लेकिन इस कहानी में हम लोग स्विट्जरलैंड कब गए? तुझे तो राइटर होना चाहिए था। तो मैं क्या करता? उसने तुम्हारे सिर पर गन तानी हुई थी और वो पीछे पड़ा था कि मैं उसकी बेटी से शादी करूं। तुम तो जानते हो ना, मैं कल 9 साल 11 महीने 15 दिन 17 घंटों के बाद में नंदिनी से मिलने वाला हूँ। वो इंडिया में सिर्फ 10 दिनों के लिए आ रही है। तुम चाहते हो उसके सामने खून खराबा होता, इसलिए मैंने झूठी कहानी बनाई। वारे, झूठी कहानी तो कमाल की है। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मैंने तो बस उसके सामने लफ्जों में यह बयां किया कि मैं नंदिनी को कितना चाहता हूं। डार्लिंग, कल से फिल्म की ओरिजिनल कहानी शुरू होगी। पूछे चाचा। प्रभास, पूछ अंकल। ये वो चाचा जिसे एआर रहमान का दोस्त बनाया था। चाचा नहीं, ये तेरी कहानी का ओपनिंग सीन लग रहा है। वो एयरपोर्ट पर, ये रेलवे स्टेशन पर। चाचा छूने दो। प्रभास वेलकम। ये सब तुम्हारे दोस्त हैं? वेरी गुड, सेम कैरेक्टर, बस सेटिंग्स चेंज है। सेटिंग से इसका क्या? वो आप रहने दीजिए, आपकी समझ में नहीं आएगा। नहीं, कैसे खाएगा? मुंह में डाल डाल। अच्छा अंकल, सब लोग आ गए? सब लोग आ गए और खूब खाना पीना मस्ती चल रही है। सब आ गए सिवाय स्विट्जरलैंड के विश्वम की बेटी नंदिनी के। पापा, सारी पूजा आज ही कर लोगे? चलिए ना, कितना काम बाकी है। बेटी, ये हमारी पुश्तैनी हवेली है। ये मेरे लिए घर नहीं, मंदिर है, मंदिर। अरे बच्चों, खाना खाया? अरे अंकल, हम लोग खा लेंगे, भेजा मत खाना। चलो पहले खाना खाओ। एक बार सुनो, बारटेंडर से कहो कि आज देकर कल उधारी। अगर पिछला हिसाब उसने क्लियर नहीं किया तो उसे मैं ईश्वर के पास पहुंचा दूंगा। मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। कहानी में ये दारू से नफरत करते थे और यहाँ खुद दारू बेचते हैं। ईश्वर वाला कैरेक्टर भी है इसमें। यारो, ये हवेली के बाहर भी हरियाली और अंदर, मेरे लिए तो यहाँ पतझड़ है। नंदिनी, चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ कोई काम नहीं। अचानक यहाँ से निकलना अच्छी बात नहीं है।
एक्सक्यूज मी, हाय, माय नेम इज बॉन्ड, आई एम फ्रॉम स्विट्जरलैंड। वैसे मेरी बहन मुझे जेम्स बॉन्ड बुलाती है। तुम चाहो तो मुझे बॉन्ड बुला सकते हो। चलो हाथ मिलाओ। ये साला स्विट्जरलैंड वाला साला फेंकू है। अंकल, आप मेरे साथ क्रिकेट खेलेंगे? चल फुट हाफ टिकट। ओके, आपकी बत्ती इतनी धीमी क्यों है? एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम से तुझे क्या? ये तुझसे नहीं, तेरी बहन से मिलने आया था। चकना तो आ गया, लेकिन कह रहा बच्चम वही। थैंक्स। मेरी बहन के बारे में क्या कहा? नहीं 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 नहीं, बहन नहीं, हैन, हैन मतलब मुर्गी है, इसे मुर्गी पसंद है ना, चल खिलाता हूं। कहा तो उसने बहन ही था। अच्छा, लाइन मार रहा है, मुझे हाफ टिकट बोलता है। काफी दिन बाद मिले हैं। हे प्रभास, तेरा बेटा ना? हाँ, मेरा बेटा, फिल्म का हीरो। बच्चा ना, तेरे डांस पार्टनर नंदिनी के पिता। नमस्ते कर। हेलो सर। इन्हें अपनी कहानी में रोल नहीं दिया था क्या? बचपन से मेरा इनके साथ 36 का आंकड़ा, इसलिए रोल। कहानी में कोई विलन नहीं था, लेकिन यहाँ विलन आ गया। ये पढ़ाई में काफी ढीला था ना, 7वीं क्लास में 2 बार फेल हुआ था। वो तो पुरानी बात है, अभी तो सुपर स्टूडेंट है। अंकल यहाँ आइए। आप झूठ बोलना कब छोड़ेंगे? मेरा भाव बढ़ा रहा था। सुनना बेटा, बच्चों को एक झूला चाहिए। एक काम कर, शहर जा और उन्हें झूला ला दे। मैं क्या पार्ट टाइम कुली लगता हूँ आपको? अरे धीरे बोल, ये सारे अपने ही तो हैं और अपनों का काम करने के लिए मना नहीं करते। मैं नहीं कर सकता, किसी और से करवा लीजिए, मैं जा रहा हूँ हैदराबाद। बेटा तुम एक झूले के लिए मुझे क्यों झूला रहे हो? लेने क्यों जा रही है? एक आदमी काफी है। सटक गई है इसलिए जा रहे वापस। अरे समझा यार, इसको क्या कर रही है? सालों बाद मिल रहे हैं, तुम भी साथ रहो, मजे करो, इस तरह जाने का क्या मतलब है? आप मजे कीजिए ना, हमें अंकल लोगों के साथ मजे करने का कोई शौक नहीं है, इसलिए हम चलते हैं। अरे बच्चू, हम सब यहाँ ऐश करने आए हैं और खूब करेंगे। आप ऐश कीजिए, मैं जा रहा हूँ। प्रभास, अंकल की बातों को तुम मान क्यों नहीं रहे? पापा, दोस्त की शादी है, जाना तो पड़ेगा ना। ये सब बहाने छोड़ो, अपने फ्रेंड की अगली शादी में चले जाना। अपने फ्रेंड्स की शादियां बाद में करवाते रहना, हम लोग रोज रोज थोड़े ही मिलते हैं। रुक जाओ, रुक जाओ बेटे। ओके बाबा, जाओ। चलो रे। जबरदस्ती इतना पेट्रोल चला, वो भी उधारी का। सुनो, तुमने उसके कान में क्या फूंका? जो भी फूंका असर कर गया। यहाँ भी नो एंट्री। तेरी कहानी में नंदिनी आई थी, लेकिन यहाँ तो आई भी नहीं। अरे अगर फिल्म के विलन को पता चला कि हमने उसे टोपा दिया, तो वो हमें टोपी पहना देगा। इसके पहले से 12 बजे हैं और तू है कि इसके 13-14 बजा रहा है। सब कैरेक्टर जिंदा हो रहे, नंदिनी जिंदा नहीं। ओह, वो सब लाइन लगा के खड़े और उसे जोरों की आई है। अभी पता था साले को। ये शाना बनता है? सॉरी सर। किसने दिया लाइसेंस तुझे? हीरो मैं हूँ, तू हीरो बन रहा? एक दो कान करिए, चल पीछे। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, लाइन तोड़ने के लिए मैंने ही उसे कहा था। क्या सारी? पहले गाड़ी बीच में डाल दी, अब सारी बोलती हो? चलो बाहर निकालो अपनी गाड़ी। तुम्हारी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। ये लोग अपने आप को हीरो समझते हैं। इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। ये अमीर लोग से बोलो, ये रास्ता है, उन लोग का घर नहीं। माँ माँ प्लीज, आप शांत हो जाओ, इनकी तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ ना, आप प्लीज। इनकी बातों का बुरा मत। मुंह बंद करो। दीदी आओ। साले साहब भी है। सॉरी भाई, माफ करना। चलो गाड़ी पीछे, गाड़ी पीछे। ए तुम चलो, गाड़ी में अंदर बैठो। तू क्या ट्रैफिक हवलदार है? बता रहा है कि डरा रहा है? गाड़ी आगे निकल जाती तो तेरा क्या जाता है? तेरी वजह से मेरी डार्लिंग की कितनी इज्जत उतरी, बोल। हाँ, अगर मैं नहीं होता तो नंदिनी के आने का पता नहीं चलता, हम वहां से चुपचाप खिसक गए होते। करेक्ट। माँ, बैंड बज गई। कोई दूसरा झोल है दिमाग में? हेलो प्रभास, क्या हाल है? पापा। क्या हुआ बेटा? शादी नहीं हुई। क्यों? क्या बोलूं? एंड टाइम पे दुल्हन मर गई पापा। दुल्हन को मत मार, एक और कहानी सुनानी पड़ेगी। बोल, उसकी माँ मर गई। दुल्हन की माँ मर गई? क्या? कैसे?
हार्ट अटैक। पर तुम उसके लिए इतना क्यों रो रहे हो? फील हो रहा है पापा, मैं किसी का बुरा नहीं देख सकता। ठीक है ठीक है, जा घर चला जा। ठीक है पापा, आप मजे कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, मैं घर जाता हूँ। I miss you, Daddy. नौटंकी, देखा? डबल गेम मत खेलो, तुम वापस आना चाहते हो? अगर आप नहीं चाहते तो मैं वापस चला जाता हूँ, पर घर में आपकी याद आएगी। अच्छा तो फिर एक काम करो, वापस आ जाओ। ठीक है पापा, चलो। ये कहाँ जा रहा है? हम हैदराबाद में, कल सुबह से पहले नहीं पहुँच सकते। रुक जाओ। जी चाचा। तेल बेचने गया चाचा, बहुत बड़ी बड़ी बातें करके गए थे ना, फिर वापस क्यों आ गए यहाँ सब के सब? बहुत लंबी कहानी है, सुननी है? बोरिंग है, आप पक जाएंगे। तो इंटरेस्टिंग करके सुनाओ। फिल्म में दुल्हन की जवान माँ मर गई, शादी की जगह शोक सभा होने लगी, सब गंगा जमुना बहाने लगे, इससे आगे क्या वीडियो? बहुत चूरन दे दिया। चूरन दूंगा तो पेट में गुड़गुड़ होगा सर। मुझे लगता है तुम्हें वहाँ रहकर उन्हें सहारा देना चाहिए था, मुसीबत में छोड़कर आ गए। अरे वो बेचारे रो रहे थे और हम नहीं चाहते कि हम रोए। और वो शट अप, इसे दोस्ती कहते हैं, दोस्त के नाम पर कलंक हो तुम। तुमने खाना है? वाह क्या टाइमिंग है, बहुत जोरों से लगी है। चलो। कोई दिख नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चलेगा सर। ये मंदिर काफी मशहूर है। अच्छा, अंकल जी ये कौन थे? आपने इन्हें सामने से नमस्ते किया और उन्होंने पीछे से जवाब भी नहीं दिया। कौन वो? वो इसके पिता हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ बेटी, बचपन में ही मैं तो अनाथ हो गया था। विश्वनाथ और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। इसके पिता ने मेरा अपने बेटे की तरह ख्याल रखा। विश्वनाथ के पिता ने इसका रिश्ता पक्का कर दिया था, पर इसने मुझे शादी से सिर्फ एक दिन पहले मुझे ये सब बताया, और ये भी कि इसके पिता कभी भी इन दोनों की शादी नहीं होने देंगे। तो रातों रात मैंने शादी का सारा इंतजाम करवाया और इनकी शादी करवा दी। विश्वनाथ की माँ इस सदमे को झेल नहीं पाई और चल बसी। बस तभी से वो मुझसे नफरत करते हैं। किसे ढूंढ रहे हो भैया? तुमको ही। अच्छा हाँ? काटो। चल इस बार पहले मैं बैटिंग करूंगा। तुम्हारी शर्ट कमाल की है। ये मेरी सबसे पुरानी और सड़ी हुई शर्ट है। खेलना भी आता है? चल मेरे साथ खेलेगा क्या? मैं हाफ टिकट हूँ, ब्लैक टिकट के साथ नहीं खेलता। ये तेरे होने वाले जीजा है, इनसे तमीज से बात कर, पैर पकड़ के माफी मांग। पता है किडनैपर से इसने तुझे बचाया था? कभी इंटरवल से पहले मैंने दे दिया उसको, अब तुम जाओ। ठीक है। प्रभास क्या है? मुझे नहीं लगता नंदिनी ऊपर से नीचे आएगी, क्योंकि वो ऊपर 2020 क्रिकेट मैच देख रही है, उसे क्रिकेट का पागलपन है। मतलब वो इतनी दूर क्या क्रिकेट देखने आई है? वो मेरे बारे में जरा भी नहीं सोचती यार, कुछ चक्कर चलाना। दूर हट, तू चाहता है वो नीचे आए? उसकी टीवी का वायर काट दे, वो नीचे चली आएगी। सुपर सुपर आइडिया। लेकिन क्या फायदा, नीचे से जाएगा तो पकड़ा जाएगा। बात तो सही है। इतना मत सोच, पाइप पकड़ के चढ़ जा, कल्याण हो जाएगा। क्या बात है, तू पुरुष नहीं, तू महापुरुष है, चल जा, काट दे। मैं क्यों जाऊं? कहानी का हीरो तू है, तू जाएगा, मैं क्यों फंसूं? मैं नहीं तू ही जाएगा। बजाऊं? जा। सुन मैं चढ़ जाऊं? चल जा। अब समझा कि तूने स्टोरूम के बारे में क्यों पूछा था, इसलिए ना। और क्या, दुकान का सारा माल तो मैं उठा लाया था, रख तक। ये लोग बुढ़ापे में मजे कर रहे हैं और मेरी हालत ले ले, मैं तो लूंगा। कोई बात, तू भी ले। आएगा असली मजा। हाँ ये रहा था। ए प्रभास खाना खाया? हाँ खा लिया, पेट भर के खा लिया। मुझे खाया ना, तब तो लगे रहे। अबे अबे रहने मार दे, क्या कर रहा है? What?
What a hara bhara country is this India. Really hara bhara. Mountain is so tasty. Green is so hara. You know how आप लोग शराब पी रहे हैं? हम इसे नहीं, हमें पी रही है। अगर ये ऐसे ही आपको पीती रही तो बहुत जल्दी निकल लेंगे। सचिन छक्का। अरे यहाँ तो मैच आ रहा है, फिर मेरे कमरे में क्यों नहीं आ रहा? तुम्हारे कमरे में एंट्री बंद है। एंट्री बंद नहीं है। ए प्रभास इधर आ। अरे आना। प्रभास, नंदिनी के कमरे का केवल तूने काटा है ना? मैंने और क्या क्या काटा है ये मत बताइए। नहीं नहीं, जब तेरी माँ सास बहू के सीरियल देखती पापा, तो हमेशा केवल तू ही काटता था ना? भूल गया? Excuse me, I want to talk to you. एक मिनट बाहर आओ। जा 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 बेटा। पापा जा ना। क्यों क्यों? मैं जब से आई हूँ तब से तो मुझे टॉर्चर कर रहे हो। मेरे केबल की वायर क्यों काटी? हाँ हेलो मैडम, मैंने आपका कुछ भी नहीं काटा है। तुम मेरे कमरे के बाहर खड़े थे, वहाँ कौवा भी था, उसने काटा होगा वायर। ये मैं क्या पक रहा हूँ? मैं जब कमरे से बाहर निकली तुम वहाँ बड़बड़ा रहे थे, बिल्कुल कौवे की तरह। मैं कौवे की तरह? मैं आपके लिए इतना नहीं गिर सकता मैडम। इतना तो गिर चुका है, उसके लिए और कितना गिरेगा? तुमसे मुंह लगना बेकार है। अगर मेरे रास्ते में टांग अड़ाई तो टांग कटवा दूंगी। पापा, क्या क्या? ए बॉडी के बॉडी मार मार। अरे फेंक ना। अरे यार यार, खड़ों की मुंह देख रहे हैं। देख रहा है साले में कितना घमंड भरा हुआ है। ये भी तो उसी मशीन का है, अकड़ेगा ही। हाँ ठीक है, मैं बैटिंग करता हूँ। अंकल। अरे प्रभास, मुंह में कुछ गया? हाँ खाया, पर वो बॉन्ड ने कुछ नहीं खाया। नहीं खाया? ए चलो चल के पहले खाना खाओ। अरे बढ़ता शरीर है, यूं ही भूखे पेट खेलते रहोगे तो कैसे बढ़ोगे? खाना खाया है तो दिखाओ मुझे क्या खाया। चलो चलो पहले खाना खाओ। छोटे को संभालेंगे, तेरे प्यार का क्या, एक एक करके दिन निकल रहे हैं। अब सिर्फ 7 दिन बाकी हैं। खैर छोड़, 5 दिन में पटाऊंगा। रूबन, तुम्हें आना ही पड़ेगा, चाहे प्लेन में खड़े खड़े आना पड़े। कौन है? कौन है? मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करके बिहार में ट्रेनिंग कर रहा है। मैं बुला रहा हूँ तो कहता है कि टाइम नहीं। ला मुझे फोन दे। हाय ऋषि, तुम क्यों नहीं आ रहे? आने के लिए बोलो ना। मैं विश्वा अंकल। हाँ हाँ वही वाले। सुन ऋषि, तू मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मेरे दोस्तों में किसी के बच्चों ने इतनी दूर तक पढ़ाई नहीं की है। तू नंदिनी को तो जानता है ना? हाँ, वो लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट है। तूने उस गोल्ड मेडलिस्ट को चॉकलेट चोर बना दिया था। अपना कैरेक्टर उठाने के लिए उसके कैरेक्टर को मैंने थोड़ा सा गिरा दिया था। लेकिन इतना क्यों गिराया? इतना क्यों सोच रहे हो? हाँ। नंदिनी? या डैड? वो नायडू अंकल का बेटा ऋषि है ना, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई की है उसने। वो फिलहाल बिहार में और यहाँ आने से मना कर रहा है। तुम उसे बुलाओ ना। डैड, हाय ऋषि, हाउ आर यू? डू यू रिमेम्बर मी? दिस इज नंदिनी। या नो ऋषि, तुम्हें मेरे लिए आना होगा, यहाँ बहुत बोरिंग लोग हैं। देखो मुझे ना नहीं सुननी। ओके ओके, सी यू, बाय। डैड वो आ रहा है प्लेन से, पैराशूट से। मुझे लग रहा है नंदिनी तुझे चिढ़ा रही है। अरे वो तो मुझसे पहले से नाराज है, अभी साला ऋषि आ गया बीच में। एक मिनट सुट्टा दे। मुझे पता है तुझे जलन हो रही है, तेरा टेंशन बढ़ता जा रहा है। लड़के का नाम है ऋषि, नाम तो झकास है, पर पता है किसका बेटा है? चिलगोजी का बेटा है, मोटा होगा, काना होगा, धक्का मत मार, प्रोडक्शन का कपड़ा नहीं है, पर्सनल कपड़ा है। मेरी बहन को स्विट्जरलैंड बहुत पसंद है, जो भी स्विट्जरलैंड की बात करता है वो उसकी फैन बन जाती है, और अगर इंडिया की बात की तो एकदम गरम हो जाती है, हीटर की तरह। रुक 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 रुक, शांत हो जा साला कहीं का।
जितना मैं नंदिनी से प्यार करता हूँ उससे कहीं ज्यादा अपने देश से प्यार करता हूँ। मेरे यार, जाने अनजाने में हाफ टिकट ने हमें जानकारी दे दी है। जल्दी से स्विट्जरलैंड के बारे में लंबी लंबी हाँकना शुरू कर। मुझसे नहीं होगा यार। मेरी बात सुन, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, उसका दिल जीतना जरूरी है। क्या बोलना है तू सोच, क्या करना है मैं सोचता हूँ। ए चलो रे। उन ब्लैक टिकट्स को मैं हाफ टिकट लगता हूँ ना, मेरी बहन को स्विट्जरलैंड से सख्त नफरत है। जानते हो स्विट्जरलैंड कितना खूबसूरत है? वहाँ के रोड तक यहाँ के घरों से ज्यादा साफ होते हैं। यहाँ सिर्फ एसी से कमरा ठंडा होता है और वहाँ तो पूरा का पूरा देश ही ठंडा रहता है। यहाँ सड़कों में, घरों में जहाँ देखो यहाँ वहाँ भीड़ लगी रहती, पर स्विट्जरलैंड चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े घर, यहाँ पर रहने को है ही क्या। मैं तो अगले जन्म में स्विट्जरलैंड में ही पैदा होना चाहूंगा। स्टॉप इट। कोई कमी रह गई क्या? तुम इंडिया के बारे में जानते ही क्या हो जैसी बातें कर रहे हो? यहाँ हर तरह का सुख अवेलेबल है। यहाँ इंसानों के बीच सच्चा प्यार है, और प्यार क्या होता है ये आखिर तुम जान ही कैसे सकते हो? तुम तो कभी स्कूल ही नहीं गए हो ना, जो हर साल एक ही क्लास में 8-8 बार फेल होता हो, वो इंडिया की हिस्ट्री के बारे में क्या जाने? यहाँ के घरों में भले ही भीड़ होती हो, पर लोगों के दिलों में बहुत जगह है, और इसीलिए तुम जैसे लोगों को भी लोग झेल लेते हैं। इतने दिनों बाद तुमसे मिली तो लगा था कि तुम सुधर गए होगे। यहाँ आने के बाद मैंने जाना कि मैं क्या मिस करती आई हूँ। यहाँ कितना प्यार और अपनापन मिलता है। मैं हर जन्म में यही पैदा होना चाहती हूँ। I love India and I hate you। बेटा प्रभा, अगर ये पलटी तो इसके दिल में कुछ कुछ होता है। इसके दिल में तो बहुत कुछ होता है। सपने मत देख। तेरी? जब नंदिनी तुझे घास नहीं डालती तो तू क्यों चाट रहा है? अब चलना घर चलते हैं। अरे अकल के ढक्कन, चल तू इधर आके बैठ। मैंने हिम्मत हारी है, हौसला अब भी कायम है। अब देख चुटकी बजा के कैसे उसको अपने चंगुल में लेता हूँ। बहुत मुश्किल है। मेरी बहन को बैडमिंटन बिल्कुल पसंद नहीं, उसे बास्केटबॉल पसंद है। आइडिया। एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम की ऐसी की तैसी। तेरी बहन को जो भी पसंद हो हमें क्या फर्क पड़ता है? तू हमसे झूठ बोल रहा है? तू चाहता है हम बास्केटबॉल कोर्ट तैयार करें और हमारा पोपट हो जाए? तो भाग यहाँ से। ए छोटे भाग, तुझे अलग से बोलना पड़ेगा। भाग, भाग। तुम इस तरह हंस क्यों रहे हो? ये सारे फुल टिकट मुझे हाफ टिकट समझते है ना। मेरी बहन को बास्केटबॉल से प्यार है। सुनो, बास्केटबॉल कोर्ट तैयार करो। अरे तू पागल हो गया है, जो उसकी बात पर यकीन कर रहा है? वो छोकरा बहुत चालू खोपड़ी है, बास्केटबॉल है करेक्ट। ए नंदिनी, कहाँ भागी जा रही हो? वो वहाँ बास्केटबॉल खेल रहे हैं ना, मुझे बहुत पसंद है, मैं देखने जा रही हूँ। प्रभास, मैं भी खेल सकती हूँ? यस। प्रभास, तेरा प्लान हिट हो गया। या। अब मेरा बेटा आ रहा है। चिलगोजे का छिलका। प्रभास, तो गेम शुरू करें। देखो देखो, ऋषि ने बॉल छीन लिया। Come on!
निकाल के अपने बाप का नाम रोशन कर दिया है। शाबाश। क्या बात है, चलो अब खाना खा लो। चिलगोजे का बेटा है, मोटा होगा, काना होगा, लूला होगा। अरे बच्चों, तुमने खाना खाया? अंकल, मेरे हाथ से खून होने वाला है। हाँ हाँ बेटा, खून भी कर लेना, चलो पहले चलकर खाना तो खा लो। अंकल, ऋषि के आने के बाद अब हमारी याद आई है जब हमारी भूख मर चुकी है। ऋषि के आने के बाद ना हमें खाना है चिकन और ना ही हमें पीना है कॉटन 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 कॉटन। अरे इसे अचानक क्या हो गया? खाने के बाद ठीक हो जाएगा, ले जाइए। चलो चलो, इसीलिए तो मैं कह रहा था, मैंने आते ही खाने के लिए पूछा था। चलो ओके, नेक्स्ट आइटम मिस्टर ऋषि। ऋषि पढ़ाई के साथ साथ मार्शल आर्ट्स में भी चैंपियन है। वो अभी हमारे सामने बर्फ की सिल्ली को तोड़ेगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन और बच्चों, तालियां। इसे देख के मुझे अपनी बॉडी याद आ रही है। देखा नंदिनी कितनी खुश हो रही है, तू भी जाके बर्फ तोड़ना जाना। मार्शल आर्ट जो है वो टेक्निक का खेल है और मैं बेकार में टुंडा बनना नहीं चाहता। यार तू हीरो की तरह बात करना। हीरो सिर्फ शरीर से नहीं, दिमाग से भी होता है। क्यों प्रभास, कर सकता है क्या? आजा आजा, कोशिश कर ले। जाना मत, तुझे चने के पेट पे चढ़ा रहा है। पूरी रात नहीं है मेरे पास, चला जा। स्टॉप इट, रुक जा। ऋषि, टूटे हुए बर्फ को तोड़ना कोई बहादुरी नहीं। टूटा हुआ नहीं अंकल, नया पीस देता हूँ ना, ये लेके आ रे। ये तो लड़कियां भी कर लेती हैं, तू तो हीरो है। नहीं ऋषि, बेटा यहाँ आओ। पापा रुक जाओ। अंकल ये कर लेगा, दिखने में भी स्ट्रॉन्ग ही है, एक बार ट्राई कर लेगा, पता चल जाएगा कितना है दम। ताकत नुमाइश की चीज नहीं होती, जरूरत पड़ने पर खुद बाहर आ जाती है। चलो बेटे कोने में। अरे अब अंकल, हटो ना। मैंने कहा नहीं। हे म्यूजिक चलाओ, हे बंटी डांस करो। अब आप चलो बेटे, मैं तोड़ लूंगा। इधर आप क्यों फिक्र कर रहे हो? मेरे साथ कोने में चलो, तुम्हें कुछ बताना है। क्या हो डैडी? जज्बाती मत बनो, तुम्हारे अंदर का हाल समझ रहा हूँ। ओके ओके, अरे ऐसा होता है। हाय गाइस, कोई झंडा वंडा गाड़ा नहीं और खुश हो रहा है? नंदिनी थोड़े दिनों में यहाँ से जाने वाली है और तुझे कोई टेंशन नहीं है? टेंशन गई पेंशन लेने, आधा घंटा बात कर लूँ ना उससे तो यो फिदा हो जाएगी। इसके लिए बात करनी जरूरी है। बात तो तब होगी जब वो मुझे मिलेगी। मिलेगी पर तुझे घास नहीं डालेगी, पूरा खेत डालेगी। कैसे? अंदर जाके देख। अरे देखो, जैसे मैंने तुमको लिस्ट में बताया है वो सारी चीजें आ जानी चाहिए। अरे सुनो, यहाँ से वाटरफॉल 60 किलोमीटर दूर है, जल्दी तैयार हो जाओ। मैंने तुझे पहले ही कहा था। व्हाई नॉट तैयार, टाइम देखी, जाओ सिस्टर को लेके आई। गो। तुम लोग चारों मेरा काम करोगे, तुम लोग नकाब पहनकर बॉन्ड को किडनैप करोगे, उसके बाद मैं उसे एक गुफा के अंदर छुपा कर बाकियों के साथ वापस आ जाऊंगा। बॉन्ड खो गया ये सोचकर सब लोग उसे ढूंढने लगेंगे, यहाँ पर वहाँ पर चारों तरफ। फिर मैं सही वक्त पर नंदिनी को लेकर जाऊंगा और दिखाऊंगा कि बॉन्ड यहाँ पर है। नंदिनी बॉन्ड को देखकर गले लग जाएगी, इमोशनल होकर कहेगी मैं तुम्हारा ये एहसान अपने बच्चे होने तक नहीं भूलूंगी। फिर मैं बॉन्ड को उसके परिवार को सौंप दूंगा, उसके बाद मैं नंदिनी को सुमड़ी में ले जाके खोल दूंगा। दिल की बात, कैसी लगी? सुपर। मैं तो एक डायरेक्टर बन सकता हूँ। बिल्कुल सही कहा, वैसे तेरे साले की किस्मत ज्यादा नहीं बदली है, पहले पिक्चर में किडनैप हुआ था, अभी रियल में होगा। बिल्कुल सही कहा। मैंने कहा ना मैं नहीं चल रही हूँ। वाटरफॉल बहुत खूबसूरत होता है दीदी। अरे मुझे कोई शौक नहीं है वाटरफॉल देखने का, मैं चार बार नियाग्रा फॉल्स देख चुकी हूँ। तेरा प्लान बनने से पहले चूल्हे में चला गया। इसमें भी अपना ही फायदा है, मैं यहाँ रहकर कुछ सोचता हूँ, तुम लोग जाओ। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। चलो मुन्नी, टिंकू, शीला, आज के दिन तो ढंग के कपड़े पहन लेते, जो कर कहीं के। हे आइटम गर्ल,
तू क्या जाने जवानी क्या होती है शीला। अरे तुम लोग यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो, देर हो रही है, चलो। मैं नहीं आ रहा पापा। प्लान तुमने बनाया और तुम ही नहीं चल रहे हो। यहाँ ये अभी बताता हूँ। मैंने बताया, समझे? ओके। आपको इनविटेशन चाहिए? मत आओ। नंदिनी जल्दी करो बेटा, देर हो रही है। ओ, नहीं आएगी। आ रही हूँ डैड। वॉटरफॉल बहुत खूबसूरत होता है दीदी। मुझे कोई शौक नहीं है, मैं चार बार नायग्रा फॉल्स देख चुकी हूँ। चलो ना दीदी, ये वाला नायग्रा फॉल्स से बड़ा है। अरे मैंने कहा ना मैं नहीं चल रही। अब लोग हमारे साथ नहीं चल रहे, चलो वहाँ बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं, पानी से हमें डर लगता है। अच्छा नंदिनी, तुम ऋषि के साथ बैठ कर आओ, उसमें जगह नहीं है। ओए मां, तेरा बाप ही तेरा दुश्मन है। सुनो तुम लोग चले जाओ। क्या फर्क पड़ता है, तुम लोग जाने की तैयारी करो। थोड़ा रुकी, पहले मैं कुछ खाएं, फिर स्टोरी सुनाएं, ठीक है? जल्दी आकर सब लोग मुंह से खा लो, चलो। चलो बॉटल निकाला जाए। खा मत, खा मत, इधर दे। ए, बॉटल कौन ले गया? चल निकल, मिलन का टाइम है। नंदिनी मेरे पास आओ ना। हाँ, अकेली क्यों खड़ी हो? आओ आओ। ए, ईगाव का नहीं है, बीवी का तेल लगाओ। तो मेरी मर्जी, मैं किसी को भी तेल लगाओ, आपको क्या करना है? तो हार तो आए, तेल लगाया। चूहे वो मेरा दबा रहा था, तू उसकी बजा रहा है। ए, तेरे कान के नीचे बजाऊं क्या? हम फिर से बोले, मेरे सामने शेर भी दुम हिला के भाग जाता है, तू तो चूहा है। जिस बिल से निकला था, जा घुस जा उसके अंदर। ए चल निकल निकल। ऋषि प्लीज धीरे चलाओ। इट्स ओके, टेक इट इजी। बोलो यही है वो छोड़ा, चलो आओ। अरे लड़की के सामने बहुत हीरो बना था, तू पहले बाहर निकल, फिर तो का पता चल जाए। हाथ छोड़ती हूँ, उसे छोड़ दीजिए प्लीज। मैं तो ट्रेलर हूँ, फिल्म देख वहाँ चल रही है। अंकल आपने ठीक कहा था, क्या? ताकत नुमाइश के लिए नहीं होती, जरूरत पड़ने पर अपने आप बाहर आ जाती है। देखा तुम लोगों ने, टाइम सफी है। चुप कर, गांव वाले की फाड़ी इसने और टाके उसको लगाए जा रहे हैं, तो असली हीरो ये है ना। बहुत तबीयत से पड़ी ना बेटा, मुझे लगता है इसका दर्द स्टोर में जाके कम होगा। स्टोर रूम में क्यों? दवाई, दवाई के तौर पर।
अब जो तू देखेगा उससे तेरे होश उड़ जाएंगे। प्रभास! हाय प्रभास, हाउ आर यू? प्रभास, कुछ तो कहो। हाय निशा, तुम कब आई? कैसे आई? कितने साल हो गए? मैं इसे यहाँ लाई हूँ, ये मुझे मंदिर में मिली, ये घूमने के लिए आई। क्या फराटेदार इंग्लिश बोलिंग, इसलिए आई लाइक हर वेरी मच। और अपने साथ यहाँ गेटिंग, इसने बताया ये तुम्हारी जूनियर है। यू टॉकिंग, आई कमिंग। थैंक यू आंटी। अगर इसके बाप को इंग्लिश आती तो तेरी माँ उससे भी उठा लाती है। सॉरी प्रभास, डैडी ने मुझे सब बता दिया। तुम्हारी लव स्टोरी कमाल की है। नंदिनी, नंदिनी? वो वाली अलग थी, ये वाली अलग। निशा आओ, मैं तुम्हें बाकी पब्लिक से मिलाएं। व्हाट बोले? आप जाइए जाइए जाइए। ओए माँ, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। कौन सी? निशा नंदिनी को मिलेगी तो? मैंने उसे कह दिया वो अलग थी अलग है। गधे, उसने कह दिया कि वो स्विट्जरलैंड से आई है तो। माँ, निशा कहाँ है? नंदिनी के पास है, दोनों गप्पे मारेंगे। इसे वोट होइंग। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वाली कॉफी फॉर यू। मैं सिर्फ कैपेचिनो पीती हूँ। उसे सच का पता चल गया, फिल्म का विलन हमारी बजाएगा। प्रभास, जरा अंदर आना, तुमसे बात करनी है। ए सुन, सारी चीजें खुल के बता देना। ए जाना। नंदिनी, वो कौन थी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड? मेरी जूनियर। क्यों? सॉरी प्रभास, दरअसल हुआ यूं कि तुम स्विट्जरलैंड वाली नंदिनी हो ना? हाँ? मुझे पहले से ही पता था, प्रभास ने मुझसे झूठ बोला। नंदिनी, नंदिनी, I'm so sorry, तुमने कुछ कहा? If you don't mind, अभी मैं थोड़ी बिजी हूँ। तुम नीचे जाके आंटी से बात करो ना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। एक फ्रेंड से अर्जेंट चैट कर रही थी, इसलिए उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे बुरा तो नहीं लगा होगा ना? मतलब तुमने निशा की बात बिल्कुल नहीं सुनी? जरा भी नहीं ना। बहुत अच्छा किया, वैसे भी वो एक नंबर की चिपकू है। तुमने बस मुझे इसलिए बुलाया था ना? हाँ। सच कह रही हो? यही बात है ना? आज की ताजा खबर, नंदिनी ने कुछ भी नहीं सुना। अगर वो सुन भी लेती तो क्या फर्क पड़ता? क्या भूल गया क्या? आज की रात उसकी यहाँ आखिरी रात है, कल वो चली जाएगी। ओह, इस बार मुझे एक अच्छा दामाद मिल गया, मुझे ऋषि वाकई पसंद है। तो फिर देर किस बात की है, वैसे भी तू आज जा रहा है। चल नंदिनी की राय जान ले, आ जा। आज चाहे कुछ भी हो जाए, नंदिनी से मैं दिल की बात कह के रहूंगा। पूछ। तू पूछ। तू पूछ। बोला ना, तू पूछ। नंदिनी बेटी, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। प्रभास कहाँ है अंकल? कुछ चाहिए क्या? कुछ नहीं, मैं अभी आती हूँ। नंदिनी, नंदिनी, भैया यहाँ आओ जल्दी। अरे मेरे यहाँ बैंड बजा हुआ, क्या हुआ? मेरा ऑर्केस्ट्रा बजा हुआ है। मेरी जिंदगी का सवाल है भैया।
और इसमें मेरी मदद आप ही कर सकते हैं, और नहीं करनी है तो अपनी हीरोइन के पास जाओ। क्या बात है? मुझे प्रकाश नाम के एक लड़के से सच्चा प्यार है। हाँ तो? कल रात को उसने मुझे फोन किया, ऑस्ट्रेलिया में उसे जॉब मिली है, एक लाख सैलरी, वेरी गुड, दिन में जॉइनिंग। वो मुझसे शादी करके मुझे वहाँ पर ले जाना चाहता है। सुपर्ब, सुपर्ब का होल स्क्वायर। किस्मत वाली है, तुझे बस पापा की रजामंदी चाहिए ना। अरे बात वो नहीं है, प्रकाश के माँ बाप बहुत लालची हैं। उनका कहना है कि अगर होने वाली बहू 50 लाख का दहेज नहीं लाएगी तो उसे एंट्री नहीं देंगे, इसीलिए। उसे तुझसे प्यार है या तेरे दहेज के पैसों से? प्लीज भैया, सच्चाई से मुंह मत फेरिए। अगर मैं उनके घर दहेज लेकर गई तो हमारी शादी हो जाएगी और हम दोनों सुखी रहेंगे। तुम प्यार में इतनी अंधी कैसे हो सकती हो? तुम्हें पढ़ाने के लिए चाचा ने कितनी तकलीफें उठाई, अब वो अचानक इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? इसी बात की तो मुझे फिक्र है, घर में बैठी अपनी जवान बेटी की तो उनको कुछ पड़ी ही नहीं है। सारी जिंदगी अपने पैसे दोस्तों में बांटते रहे और हमारे पास इस घर के अलावा और कुछ नहीं है। बाबा से कहो इस घर को बेचकर मेरी शादी करवा दे। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? इस घर को बेचने के बाद चाचा रहेंगे कहाँ? शादी करने के लिए ये घर तो बेचना ही पड़ेगा ना भैया। अरे काल करे सो आज कर, अगर मैंने ये अपॉर्चुनिटी खो दी तो क्या होगा जानते हैं? मैं यही पड़े पड़े बुढ़ी हो जाऊंगी और मोहल्ले के सारे बच्चे मुझे कवारी बुआ बोल के चिढ़ाते रहेंगे। क्या आप चाहते हैं कि मैं ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी गुजारूं प्यारे भैया? प्लीज भैया, मेरी खातिर पापा को मनाइए ना। ठीक, उनसे बात करता हूँ। चाचा मुझे आपसे जरूरी बात। बोल बेटा, बताना। आप आई तो सही, ले जा रहा है। अरे ऐसी कौन सी खास बात है जो वहां नहीं कर सकता था? मेरा एक दोस्त है प्रकाश। हाँ। बहुत अच्छा लड़का है। हाँ। ऑस्ट्रेलिया में काम करता है। हाँ। जानते हैं उसकी सैलरी कितनी है? 1 लाख रुपए महीना। वो 10 दिनों में शादी करके जाना चाहता है। प्रसन्ना के लिए इसे अच्छा लड़का कहीं और नहीं मिलेगा अंकल। तुझे तो अपनी बहन की मुझसे ज्यादा फिक्र है। वो तेरा दोस्त और अच्छा लड़का भी है, इसीलिए मुझे ये रिश्ता मंजूर है। पर चाचा वो लोग 50 लाख रुपए का दहेज चाहते हैं। दहेज में 50 लाख? ये घर बेच देते हैं बेटा। पर चाचा ये घर तो आपको जान से प्यारा है। वो तो है, मगर ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। ये घर मुझे जान से प्यारा भले ही हो, लेकिन उससे प्यारी मुझे मेरी बेटी है। और सुन, उसे ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। और क्यों चाचा? क्योंकि वो जानती है कि ये घर मुझे पसंद है, मैं इसे नहीं बेचूंगा। और वो 10 दिन में शादी करके मुझे यूं छोड़कर जाने के लिए राजी नहीं होगी। राजी क्यों नहीं होगी? मैं राजी करवाऊंगा बेटा। आप कुछ मत कहिए, देखिए मैं उसे कैसे मनाता हूँ। प्रसन्ना इधर आ। बाबा और मैंने तेरे लिए रिश्ता पक्का किया है। नाम है प्रकाश, ऑस्ट्रेलिया में काम करता है, 1 लाख सैलरी है। मेरा अच्छा दोस्त है, लड़का एकदम हीरा है। मुझे ये शादी नहीं करनी है भैया, नहीं करनी है। मान जा बेटी, अगर ये रिश्ता ठुकरा दिया तो दोबारा ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा। देखा ना, ये होता है पाप। बाबा, बाबा। नहीं बेटी, चुप हो जा, रोना बंद कर बेटी, चुप हो जा, रो मत। तुझे कभी ना कभी तो इस घर से शादी करके जाना ही है, चुप हो जा। देखा बेटा, शादी की बात आती ही कैसे रोने लगी। मुझे ये शादी नहीं करनी है बाबा। नहीं, नहीं, ऐसा मत बोलो। कहते बेटा, फैसला हो चुका है, ये शादी होके रहेगी। मुझे नहीं करनी है, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। पागल हो गई है, सटक गई है तेरी, ये शादी तो अब होकर ही रहेगी। कह दिया ना नहीं करनी। वो शादी के लिए मना कर रही है तो जबरदस्ती क्यों कर रहा है? पापा समझा करो, समझा करो, समझा करो। हाँ अच्छा अच्छा, ये शादी तो होनी ही चाहिए। तू उस लड़के को जानता है? हाँ हाँ जानता हूँ, बहुत ही स्मार्ट है वो। हाँ और प्रकाश ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या? ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया, प्रसन्ना के साथ जोड़ी जमेगी ना। अरे सुपर। हाँ। वो तो प्रसन्ना के लिए ही पैदा हुआ है। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है।
छोटी सी। वो दहेज में 50 लाख चाहते हैं और उसके लिए चाचा ये घर बेचना चाहते हैं पूरा। क्या रे तू ये घर बेचेगा? नहीं ए, वो सन्ना मेरी भी बेटी है। मैंने भी थोड़ा बहुत पैसा कमाया है, शादी का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। सारे कपड़े और तोहफे मेरी तरफ से होंगे। अरे तू क्या समझता है, हमारी दोस्ती सिर्फ स्टोर रूम तक ही नहीं है, स्टोर रूम के बाहर हम भाई जैसे हैं। मैंने भी स्विट्जरलैंड में अच्छा पैसा कमाया है, दहेज की सारी टेंशन मुझ पे छोड़ दे, मैं सब संभाल लूंगा। अरे प्रभास यहाँ। जी अंकल आया। अपने दोस्त को जरा फोन लगा। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, शादी 10 दिनों में हो जानी चाहिए क्योंकि लड़का ऑस्ट्रेलिया जाने वाला है। अच्छा 10 दिनों में, तो कौन सी बड़ी बात है, हम लोग शादी करके यहाँ से जाएंगे। हाँ उसके बाद ही जाएंगे। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम सब दोस्त मुझसे इतना प्यार करते हो। प्यार, प्यार लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता, इसे महसूस किया जाता है। पागल। और सुनो, मेहमानों को ठूस ठूस कर खिलाने की जिम्मेदारी मेरी है, इतना खिलाऊंगा कि जुलाब लग जाएंगे। अब हम जम के ऐश करेंगे। हाँ तो 55, 56, 57, 58। प्रभास नहीं हुआ मेरे जिंदगी का कांटा हो गया, उस कांटे को बाहर निकालना पड़ेगा, ऐसे ही चुपता रहा तो टेटनेस हो जाएगा ना। एक बार हाँ बोल, उस कांटे को जड़ से निकाल दूंगा। जिंदगी मेरी है, निकालूंगा भी मैं ही। चौके छक्के वो लगाए और कुत्ते की तरह मुझे दौड़ा है। ए गोपाल। हाँ क्या हुआ? इधर आना आना। क्या कहाँ जा रहा है, हमारे साथ 2 मिनट बैठ नहीं सकता क्या? बैठना। क्या काम है बोल। यार प्रभास को मिलने को वो आइटम आई थी उस दिन, कौन है वो? अच्छा वो आई थी जो। अच्छा सुन, वो एक दूसरे से लव शव करते हैं। अपने हीरोज को प्यार नहीं करता, साइड हीरो नहीं उसके प्यार में पागल है। ऐसा क्या? उस लड़की का बाप तो डॉन है, उसने प्रभास को अपनी बेटी से शादी करने की धमकी दी थी, लेकिन अपने हीरो ने झूठी कहानी सुनाकर उसको टोपा पहना दिया। वो डॉन दिखता कैसा है? वो इतना लंबा है जैसे खंबा 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 खंबा। अबे खंबा छोड़, नाम बता। क्या बेटा खाना खाया? अरे अंकल आप सटक लो ना, हम खा लेंगे। ये क्या? हाँ तू कुछ बता रहा था, बोल ना। फिर से खाना खिलाना पड़ेगा। चलो उठा दो ना उसको। कितने बार कहा है कि टाइम तो मुंह में ले लिया कर। रहे हो? देता हूँ मुंह में। बहुत हो गया, अब मुझे नंदिनी चाहिए। फिक्र मत कर, बस देखता जा। बेटा प्रभास। हाँ। जरा मेरे लिए सुई में धागा डाले। सुई में धागा। बहरे हो? आ रहा हूँ, चलाओ मत। अरे प्रभास कहाँ गया? मैंने अपना सेलफोन कहाँ रखा? ये क्या, ये स्त्री कौन कर रहा था? कितने लापरवाह लोग। पापा आप कैसे गिरेंगे? उस स्त्री को कोई मत छूना, उसमें करंट आ रहा है। शौक लगे? शौक? बहुत जलेंगे। हे, इधर आ, इधर आ। ऋषि मुझे बचा यार, नहीं तो मेरी बचा देगा। ए रुक, तू मेरे दोस्त को क्यों मार रहा है? ऋषि तू बीच में मत आ, तू साइड हो जा। ए प्रभास, अरे कहा रुक जाओ। तू क्या पागल हो गया? आपको कुछ हो जाता तो चुप कर जाओ, जाकर उसे सॉरी बोलो। नहीं बोलूंगा, इस सब के पीछे उस ऋषि का ही हाथ है। बाबा सॉरी बोल। ये क्या कर रहा है?
छोटी सी बात के लिए तू इसे मारेगा। छोटी सी बात? मेरे मुंह का नक्शा बदल दिया है, छोटी बात है? ऋषि अंकल, या तो मैं इधर रहूंगा या यही रहेगा। बेटा मैं बात सुन। ए, कौन कहा रहेगा, इसका फैसला हम करेंगे, तू निकल यहाँ से। ए, चुप कर। ऋषि, आई एम वेरी सॉरी, उसने गलती की है। ऋषि, मैं उसे यहाँ से भेज रहा हूँ, तुम कहीं मत जाओ। तो जा। I said you get out. वो तेरा असली बेटा है ना? हाँ तो? तो? देख तू होश में नहीं है, जा यहाँ से। मैं होश में हूँ, बहक तू क्या है? सुन, तू चला जा यहाँ से, वरना हमारी दोस्ती टूट जाएगी। तू अब तक यही खड़ा है, जा। पागल मत बन, तू जानता है तू क्या कर रहा है, ऐसा मत कर। तो चुप कर, कहीं इसकी वजह से हमारी 30 साल की दोस्ती टूट न जाए। इतना नाराज होने की जरूरत नहीं पापा, मेरा रिटर्न टिकट है। सीन क्या है डैड? रुक बेटा, ये क्या हो रहा है, तू उसे रोकता क्यों नहीं? कोई एक शब्द नहीं कहेगा, सब अंदर जाओ। गो 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 मैन। I'm sorry अंकल, मैंने ऋषि को बिला वजह नहीं मारा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे माफी मत मांगो, वो मेरा नकली बेटा है। तुम्हारे डैडी ने इस मामले में हमारी दोस्ती बीच में ले आई, इसलिए मैं खामोश रहा। तुम्हारे पापा ने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया, इसकी वजह मैं खुद नहीं जानता। मैं जा रहा हूं पापा। अब तक मुझे लगता था कि मैं आपकी दुनिया हूं, पर नहीं, आपकी एक और दुनिया भी है। ये ऋषि कौन है पापा? ये कुछ पूछिंग रिप्लाई करिंग, ये कुछ नहीं बोलिंग, मी टेलिंग। राजेश्वरी, आई चुप नहीं रहिंग। वो बुजुर्ग आदमी जिन्होंने 20 सालों से तुम्हारे पिता से बात नहीं करेंग, एक दिन इन्हें घर बुलाएंग। मुझे बेहद खुशी है कि आपने मुझे अपने घर बुलाया। एक बार कह दीजिए कि मुझे माफ किया, मेरा बोझ उतर जाएगा। जो भी हुआ उसे गोली मारो, बाकी सब तो तुम्हारे हाथों में है ना। ये आप क्या कह रही हैं? याद है हम मंदिर में मिले थे, वहाँ पे मेरे बेटे ने इनकी पोती को देखा और तब से उसकी जिद है कि वो शादी करेगा तो सिर्फ उसी से। अगर इन्हें हमारे साथ बिजनेस करना है तो ये शादी तो जरूर होनी चाहिए। ऋषि। नमस्ते अंकल। नमस्ते, बैठो बेटा। ये अपने बेटे से बात नहीं कर सकते थे इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है, अब शादी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन दोनों की शादी करवा के ही रहूंगा। ये तूने क्या कर दिया यार? हाँ? क्यों, क्या हुआ? पता है मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरे पिता ने मेरे प्यार को कभी नहीं अपनाया। मेरे पत्नी के मरने पर भी उस परिवार से कोई मेरा दुख बांटने नहीं आया। नंदिनी नफरत करती उनसे, वो कभी भी नहीं मानेगी। डोंट वरी यार, एक आइडिया है। हम सब यहाँ कितने दिनों के लिए आए हैं? 10 दिनों के लिए ना। तो ऋषि को हम किसी तीसरे का बेटा कह के मिलवाते हैं। दोनों अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, बहुत जल्द जमने लगेगी। उन दोनों को एक दूसरे को समझने दो, उसके बाद नंदिनी से पूछकर उसकी राय ले लेंगे। और सुन, तुझे और तेरे पिता को मिलना ही होगा। इसलिए तुझे और नंदिनी को करीब आता देख इन्हें लगेंगे इनका दिया हुआ वादा टूटिंग, इसलिए तुझे यहां से भेजेंगे। बस इतनी सी बात, इसके लिए इतना बड़ा ड्रामा? ये सच है कि मैं नंदिनी को बहुत चाहता हूं, पर मैंने उसे कभी प्रपोज नहीं किया और ना ही नंदिनी मुझे पसंद करती है। तो
आपको डरने या मायूस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप मेरे सब कुछ हैं पापा, मेरे हीरो हैं। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। सब कुछ भूल जाइए डैडी, और शादी कराने के बाद खुशी खुशी लौट आइए। हाँ पापा का ख्याल रखना। तुमने अपने बेटे को समझने में गलती करी। तो मैं क्या करता? प्रभास तुम जा रहे हो? दीदी मिला क्या? नहीं मिला दीदी। अच्छे से ढूंढो। ठीक है। प्रभास तुम्हारी हेल्प चाहिए, मेरा लकी नेकलेस कहीं मिल नहीं रहा, वो मेरी जान है, प्लीज उसे मेरे लिए ढूंढ दो ना। अगर तुम्हारी जान है तो कहीं नहीं जाएगा, ठीक से ढूंढोगी तो मिल जाएगा। बाय। किया। लेकिन तुमसे अच्छा नहीं। टेंशन क्यों ले रही हूँ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा ना। मुझे कब सिखाओगे? मैं तो स्विट्जरलैंड जा रही हूँ। नंदिनी तुम स्विट्जरलैंड जाके मुझे भूलोगी तो नहीं ना? अपने मम्मी डैडी को भूल सकती हूँ लेकिन तुम्हें नहीं भूल सकती। तो फिर ठीक है, ये देखो मैंने इसे तुम्हारे लिए स्पेशल बनाया है, इसे रख लो। थैंक यू। कैसा है? बहुत अच्छा है। वो मेरी जान है। प्रभास मैंने उसे बहुत ढूंढा पर कहीं नहीं मिला, तुम्हें मिला क्या? नहीं मिला। कहीं नहीं मिला? नहीं। मुझसे झूठ बोल रहे हो? मैंने देखा तुमने उसे पॉकेट में डाला, मैंने जानबूझकर उसे वहां गिराया था। तुम इतना भी नहीं समझ पाए, मैं यहां सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूं प्रभास। उस दिन जब हम रेलवे क्रॉसिंग पर मिले थे तब तुम्हारे चेहरे पर मैंने वही खुशी देखी जो बचपन में हुआ करती थी, आंखों में वही प्यार देखा। मैं जानती हूँ कि आज भी मैं तुम्हारे दिल में रहती हूँ, लेकिन मैं तुमसे जानना चाहती थी कि तुम मुझे कितना चाहते हो, इसीलिए अब तक तुमसे नफरत करने का नाटक करती है। बल्कि मैंने तो तुम्हारा दिल दुखाने में भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी प्रभास। वाकई मैं किस्मत वाली हूँ कि मैं तुम्हें चाहती हूँ और तुम मुझे चाहते हो, और दुआ करती हूँ कि ये प्यार ऐसे ही बना रहे। तुम्हारे बिना मैं एक पल नहीं रह सकती। I love you. I love you, प्रभास। नंदिनी! प्रभास!
अरे नंदनी, एकदम सही टाइम पे आई हो। आओ, ये तुम्हारे होने वाले सास और ससुर। सुना के मुझे उल्लू बनाने की कोशिश की। अभी भी तो किस्मत वाला है, क्योंकि मेरी बेटी अब भी तुझसे प्यार करती है। माना कि मेरी कहानी झूठी थी, पर मैं नंदिनी को ही चाहता हूँ सर। नंदिनी, 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 कौन है ये नंदिनी? भूल जाओ उसे। चला भैंस की टांग। बेटा नंदिनी, ये तो मेरे पास मत आना। पागल हो गई? मेरी कहना हो सकता है कि आपको बुरा लगे और आप चंद आंसू बहा ले, लेकिन दर्द मुझे हो रहा है। अगर आप जबरदस्ती मुझे शादी करने को कहेंगे तो मैं अपनी जान ले लूंगी। तुम क्या कह रही हो, मेरी समझ से बाहर हो रहा है। मैं प्रभास को चाहती हूँ, बहुत चाहती हूँ। नंदिनी, ये बचपना छोड़ दो। प्रभास तुमसे प्यार नहीं करता और कर भी नहीं सकता। मुझे बताओ, प्रभास मुझे चाहता है ना? नहीं। झूठ क्यों बोल रहे हो? निशा ने मुझे बता दिया था, मैंने सब सुना था। डैड, आप हमेशा कहते हैं ना कि आप मम्मी से कितना प्यार करते हैं। प्रभास मुझसे उससे भी कई गुना ज्यादा प्यार करता है। सॉरी बेटा, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। क्या कह रहा है? तेरे पिता से वादा कर चुका हूँ। तेल लेने किया वादा? अब तक उन्हें हमारी फिक्र नहीं थी, कहाँ सो रहे थे? बिजनेस की बात आई तो जाग गए। आज वो मेरी बेटी की वजह से ही यहाँ आए हैं। और तू जिंदगी भर उनसे माफी मांगता रहा, फिर भी उन्होंने तुझे माफ नहीं किया। और तूने मेरा प्यार पाने में मेरी मदद की, इसकी तुझे कितनी बड़ी सजा मिली। इसीलिए मैं तुझसे प्यार करता हूँ, सिर्फ इसीलिए। तू मेरे बाप से भी प्यारा है और हमेशा रहेगा। तू मेरा दोस्त नहीं, सब कुछ है। अब बोल, दोस्ती खून के रिश्ते से बड़ी है या नहीं? ये वो रिश्ता है जो कभी नहीं टूट सकता, कभी नहीं। और इस रिश्ते के लिए मैं हर रिश्ते को तोड़ सकता हूँ। अबे, मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं, तेरा बेटा ही मेरा दामाद बनेगा। हीरा है रे तेरा बेटा। नहीं यार, मैं नहीं चाहता कि फिर से अनाथ हो जाऊं। इसकी बात में दम है बेटा। मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अपने गुरूर की वजह से मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया है कि तुम लोग कभी मुझे माफ नहीं कर सकते। मैं यहाँ सिर्फ शादी के लिए नहीं आया था, तुम्हारी दोस्ती को सलाम करने आया था। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। नंदिनी इस सीन में कहां से आ गई? नंदिनी, यही वो नंदिनी है ना जिसे तू प्यार करता है? तूने कहा था इसका एक्सीडेंट भी हुआ था ना? अब इसका एक्सीडेंट असल में होगा और तू देखता रह जाएगा। नंदिनी, रुक जा! पकड़ो उसे!
कुछ मत कीजिए, ये मेरी जान है, आप चाहे तो मेरी जान ले लीजिए, प्लीज प्रभास को छोड़ दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्रभास को कुछ मत कीजिए, प्लीज अंकल मान जाइए। डार्लिंग, चोट मुझे लगी है और रो रहे हैं ये। सर आप माने या ना माने लेकिन यही मेरी जिंदगी है ना सर। रो मत चला। Mm-hmm.